A very good morning to class 6. This is our English book, Real English, a multi-skill language course. So students, last class में हमने poem 5, The Old Gumby Cat read की थी और मैंने आपको बोला था आपको इसका comprehension section खुद से करना है. एक बार हम इसे discuss कर लेते हैं. तो start करते हैं comprehension section को. A1, choose the correct answer. तो इनमें से जो correct answer है उसे select करेंगे. What does the cat Jenny and Dot do when people work during the day? जिस time बाकी लोग काम कर रहे होते हैं उस time Jenny and Dot जो cat थी वो क्या करती थी? She chases the mice from the kitchen. She eats and sleeps throughout the day. She sits and waits for the night to कम. तो वो क्या करती थी? शी चेजेस द माइस फ्रॉम द किचन. क्या वो किचन से माइस को पकड़ती थी, माइस का पीछा करती थी चूहे का, या फिर शी ईट्स खाना खाती एंड स्लीप थ्रू आउट द डे पूरे दिन सोती रहती थी. तो सोने के बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा था. शी सिट्स एंड वेट्स फॉर द नाइट टू कम. और वो बैठी रहती थी, वेट करती थी कब रात होगी और फिर वो अपना काम शुरू करती थी. तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब सब लोग सो जाते थे, सोने का टाइम होता था, उस टाइम वो क्या करती थी, उठ तैयार हो जाती थी और बाकी टाइम वो हमेशा पूरा दिन बैठी रहती थी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाई डज द गम्बी कैट वेट फॉर द नाइट टू कम. गम्बी कैट रात होने का इंतजार क्यों करती थी? सो दैट देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब हर स्लीप. ताकि कोई उसकी नींद को खराब ना करे. Because she starts her work at night. Because क्योंकि वो अपना काम रात को शुरू करती थी. Because she gets her dinner. क्योंकि उसको उसका डिनर मिलता था, मिल जाता था, इसीलिए वो ऐसा करती थी. तो वो इसीलिए ऐसा करती थी क्योंकि वो अपना काम रात को करती थी. Because she starts her work at night. तो second का B option correct है. Next question देखते हैं. What qualities are important for Jenny and Dot's? Jenny and Dot's के क्या important qualities थी Jenny and Dot's के लिए? Good manner, eating proper food and doing something useful, being lazy and sleeping all day long, helping others. तो इनमें से आपको क्या लगता है सही क्या होगा? अच्छे manners, proper food खाना और अच्छा काम करना, इम्पोर्टेंट काम करना, या फिर लेजी होना और सारा दिन सोते रहना, या फिर दूसरों की मदद करना. तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि दूसरों की मदद करना, या फिर ऐसा भी नहीं था कि वो लेजी रहे और सारा दिन सोती रहे. राइट आंसर हो जाएगा गुड मैनर्स, क्योंकि वो चूहे में अक्सर बिल्लियां क्या करती हैं, चूहे को देखते ही उसके ऊपर झपट जाती हैं, उसे मार के खा जाती हैं. बट जेनी एनी डॉट ऐसी नहीं थी. वो क्या करती थी, चूहों को अच्छे मैनर सिखाती थी. अगर वो भूखे होते थे तो उन्हें खाना बना के देती थी, है ना, और उनको काफी यूजफुल थिंग्स सिखाती थी. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुड मैनर्स, ईटिंग प्रॉपर फूड एंड डूइंग समथिंग यूजफुल. तो जेनी एनी डॉट्स को क्या लगता था कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है जेनी एनी डॉट के लिए? तो गुड मैनर्स, eating proper food and doing useful, ठीक है ना. Next question देखते हैं. Why would it be difficult to find another cat like Jenny and Dot's? तो Jenny and Dot's जैसी दूसरी cat ढूंढना मुश्किल क्यों है, वैसी दूसरी cat मिल पाना मुश्किल क्यों है? तो because Jenny and Dot's is a very useful cat and she ensures that everything is in order in the house. क्योंकि जेनी एनी डॉट वेरी यूजफुल कैट, बहुत जरूरी बिल्ली थी जिसकी बहुत जरूरत हो. एंड शी एंश्योर, वो ये सुनिश्चित करती थी कि हर चीज घर में अपनी प्लेस पे हो. सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज जेनी एनी डॉट इज द लास्ट ऑफ हर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. क्योंकि वो पूरी दुनिया में अकेली थी अपनी स्पीशीज की, मतलब अपनी बिरादरी की, उस जैसी और दूसरी कैट नहीं हो सकती थी, पूरे वर्ल्ड में नहीं थी. बिकॉज जेनी एनी डॉट्स इज द लेजीएस्ट कैट इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे आलसी बिल्ली थी पूरी दुनिया में. तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो तो एक इमेजिनेशन में थी कैट. तो क्योंकि जेनी एनी डॉट बहुत यूजफुल कैट थी, क्योंकि वो हर चीज को घर में उसके प्रॉपर ऑर्डर में रखना पसंद करती थी, उसके मैनर्स गुड थे,
और वो अच्छे काम करती थी, इसीलिए वो ऐसी कैट दूसरी मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी चीयर फॉर द गंबी कैट। हम गंबी कैट के लिए चीयर्स क्यों करें, उसको मोटिवेट क्यों करें, चीयर अप क्यों करें? बिकॉज शी इज नॉट लेजी लाइक हर ओनर्स फैमिली थिंक्स, बट वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट डिस्टर्ब व्हेन दे आर अस्लीप एट नाइट बाय कीपिंग द माइस बिजी। क्योंकि वो लेजी नहीं थी अपने ऑनर की फैमिली के लिए उनकी तरह, और उनकी तरह नहीं सोचती थी, बट वो बहुत मुश्किल काम करती थी और ये श्योर करती थी कि जब उसके ऑनर सो रहे हों तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके, और इसीलिए वो रात को जाग के चूहों को बिजी रखती थी। तो एक तो ऑप्शन हुआ ये, सेकंड बिकॉज शी प्रूव पॉपुलर बिलीव दैट कैट्स आर लेजिएस्ट एंड मोस्ट सेल्फिश पैट। क्योंकि वो ये प्रूव करती थी कि जो लोगों की एक धारणा है कि जो बिल्लियां होती हैं वो सबसे लेजी होती हैं और सेल्फिश पैट्स में इंक्लूड होती हैं, इसलिए, या फिर बिकॉज शी इज द बेस्ट लुकिंग कैट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो सबसे सुंदर दिखती थी पूरे वर्ल्ड में, ऐसी कोई दूसरी कैट नहीं थी, इसीलिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लेजी नहीं थी, बट वो इस चीज का ध्यान रखती थी कि वो जब उसके ऑनर सो रहे हों तो माइस को वो बिजी रखे, उनको कुछ ना कुछ सिखाती रहे, है ना, ताकि वो नॉइस क्रिएट ना करे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए टू सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट जेनियनी डॉट्स। तो जेनियनी डॉट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द कोट ऑफ जेनियनी डॉट शोज हाउ वीक एंड सिक अ कैट शी इज। तो उसका कोट ये दिखाता था कि वो कितनी कमजोर और कितनी बीमार बिल्ली थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्लियरली, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द फैमिली थिंक्स दैट जेनी एनी डॉट्स इज लेजी एंड डज नो वर्क। तो जो जेनी एनी डॉट्स जिस फैमिली में रहती थी, वो फैमिली ये सोचती थी कि जेनी एनी डॉट्स एक लेजी कैट है और वो पूरा दिन कोई काम नहीं करती, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो सारा दिन बैठी रहती थी सिर्फ, बट वो असली काम कब करती थी, नाइट टाइम में, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट, द ओल्ड गम्बी कैट इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो क्या ये बात ठीक है कि जो ये ओल्ड गम्बी कैट थी वो बहुत मेहनती थी? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो दिन में बेशक आराम करती थी पर वो रात को सारी रात काम करती थी। नेक्स्ट, जेनी एनी डॉट्स एंश्योर दैट इवन द माइस डू समथिंग यूजफुल फॉर द फैमिली। तो वो ये चीज इंश्योर करती थी कि फैमिली में बेशक चूहा ही हो पर वो भी कुछ अच्छा काम करे, यूजफुल काम करे, टाइम वेस्ट ना करे या दूसरों का काम खराब ना करे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तभी तो वो उन्हें मैनर सिखाती थी और उन्हें खाना भी देती थी ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जेनी एनी डॉट्स लाइक टू बी लुक्ड आफ्टर बाय अदर पीपल। तो जेनी एनी डॉट्स जो थी वो ये पसंद करती थी दूसरों की देखभाल करना, टू बी लुक्ड आफ्टर बाय अदर पीपल, तो दूसरे लोगों की तरफ देखभाल करना पसंद करती थी। तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। जेनी एनी डॉट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फैमिली इज अ सीक्रेट फॉर देम टू। तो क्या जेनी एनी डॉट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसकी फैमिली के लिए वो एक सीक्रेट था उनके लिए भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि वो नाइट में उनको आराम से ताकि वो सो सकें कितने एफर्ट्स कर रही है, तो ये एक सीक्रेट था, तो ये बात बिल्कुल सही है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो देखो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। तो हमसे यहाँ पूछा था ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, मैंने आपको बोला था मत करना, इसमें हमें करेक्टराइजेशन बताना था ओल्ड गम्बी कैट का, तो वो लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रू स्टेटमेंट थी वही लिखनी थी, तो वो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ क्या करना था, राइट फाइव राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो इसके फाइव राइमिंग वर्ड्स लिखने थे, तो वैसे तो आई होप आपने खुद से लिखे ही होंगे, मैं फिर भी लिखवा देती हूँ, अगर किसी ने कोई नहीं लिखा तो वो लिख लेगा, साथ में याद भी कर लेगा। कैट के साथ साथ क्या हो सकता है, कैट, मैट, बैट, है ना। तो लिखते हैं कैट, MAT, मैट, BAT, बैट,
RAT रैट, SAT सेट, HAT हैट। नेक्स्ट माइंड, तो माइंड के साथ क्या बन जाएगा, काइंड, बाइंड, वाइंड, फाइंड, ग्राइंड, है ना। तो देखते हैं माइंड के साथ क्या हो जाएगा, काइंड, KIND काइंड। फिर और हो सकता है बाइंड, BIND बाइंड। दैट नेक्स्ट इज वाइन, WHINED वाइन। नेक्स्ट इज फाइंड, FIND फाइंड। नेक्स्ट वन इज ग्राइंड, GRIND ग्राइंड। ऑल राइट, नेक्स्ट नेम, नेम के साथ फेम्स आ सकता है, सेम, टेम, शेम, केम, है ना। नेम फेम, SHAME शेम, CAME केम, SAME सेम, TAME टेम। तो इस तरीके के वर्ड्स बन सकते हैं। मील, मील के साथ सील, हील, डील, है ना। तो मील के साथ लिखेंगे DEAL डील, देन HEAL हील, KNEEL नील, ZEAL ज़ील। और क्या हो सकता है, हील हो गया, हील की स्पेलिंग HEAL, ठीक है ना। और डील, हील, नील, सील हो जाएगा एक SEAL सील। ऑल राइट, नेक्स्ट है डे, डे रे मे। तो देखते हैं डे, MAY मे, HAY हे, SAY से, RAY रे, और क्या हो जाएगा, WAY वे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ राइमिंग वर्ड्स थे, इनसे मैच करते हुए 5-5 लिखने के लिए बोला था। नेक्स्ट यहाँ से आपको वर्ड फिल करने थे इस पोएम में, जिसका नाम था सिंपल साइमन। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल साइमन मैट आ, तो यहां से आपको फिल करने थे, तो मैट आ पीमैन। देखो इसमें एक बात है, सब बच्चों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, तो आपने जो भी फिल करा होगा वो ठीक होगा। तो देख लेते हैं एक बार, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए पीमैन, PIEMAN, तो PIEMAN। नेक्स्ट गोइंग टू द, कहाँ जाते हैं, गोइंग टू द फिशिंग, कुछ भी आ सकता है, गोइंग टू द FISHING डैश सिंपल साइमन टू द पीमैन। ओके, सेड, तो यहाँ आ जाएगा SAID सेड साइमन, सिंपल साइमन टू द पीमैन। क्या बोलता है, लेट मी टेस्ट योर, तो क्या टेस्ट करता है वो, कैच पीमैन फेयर, PENY टेस्ट करना है। ओके देखेंगे, तो देखते हैं क्या आ सकता है, एक बार इसे दोबारा से देखते हैं। सिंपल साइमन मैट आ पीमैन, तो सिंपल साइमन पीमैन से मिलता है गोइंग टू द, और ये कहाँ जाते हैं, फिशिंग में नहीं जाते, ये मेले में जाते हैं, तो इसे ठीक करेंगे एक बार। Going to the fair, FAIR fair, said Simple Simon to the Pimen, Simple Simon Pimen से कहता है let me taste your pay, यहाँ पे word है wear, WARE wear होता है सामान, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे पास सामान है मुझे taste करवाओ, तो WARE wear, ठीक है। Said the P-man unto Simon, show me first your penny. P-E-N-N-Y, penny हम बोलते हैं coin को, पैसों को,
ठीक है ना, जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं पहले अपने पैसे दिखाओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं भी या नहीं। तो PENNY, पेनी। ठीक है, नेक्स्ट। सैड सिंपल साइमन टू द पीमैन, इंडीड आई हैव डैश एनी। तो क्या आना चाहिए? सिंपल साइमन कहता है वेल पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो नॉट आ जाएगा। इंडीड आई हैव नॉट एनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सिंपल साइमन वेंट आ, कहाँ जाता है फिर सिंपल साइमन? देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन में है फोर टू डैश अ वेल, वेल पकड़ने कहाँ जाएगा? वेल तो वाटर में होगी, तो यहाँ पे देखेंगे वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे वेंट आ फोर टू, एक सेकेंड। सिंपल साइमन वेंट आ, क्या जाना चाहिए? देखेंगे इसे, फिशिंग के लिए जाता है वो, ठीक है ना। वेंट आ FISHING, फिशिंग के लिए जाएगा। और फोर टू डैश आ वेल, वहां पे क्या करेगा? वेल को कैच करेगा, तो यहाँ कैच दिया भी हुआ है CATCH, तो लिखेंगे फोर टू CATCH कैच आ वेल, वेल पकड़ने के लिए। ऑल द डैश ही हैड गॉट, जो भी उसे वाटर मिलता है, तो ऑल द वाटर ही हैड गॉट, जितना भी पानी उसे मिलता है, ऑल द WATER वाटर वॉज इन हिज मदर्स, तो मदर की, वो उसकी मदर की बकेट में होगा, है ना। तो देखो PAIL, पेल का मतलब होता है बकेट या बाल्टी। वॉज इन हिज मदर्स पेल, बकेट नहीं लिख देंगे, PAIL जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। सिंपल साइमन वेंट टू, अब वो क्या करने जाता है? वेंट टू लुक आ सकता है, देखने जाता है। वेंट टू लुक LOOK, लुक इफ प्लम्स ग्रो ऑन अ, क्या आ जाएगा यहाँ पे? थिसल, थिसल फ्लावर को बोलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा THISTLE, थिसल। ही प्रिक्ड हिज फिंगर वेरी मच विच मेड पुअर साइमन विसल। ही वेंट फॉर वॉटर इन अ, कहाँ जाता है वो? सीव, छलनी से, ठीक है ना, छलनी से वाटर को छानने के लिए जाता है, तो SIEVE, छलनी या छालनी बोलते हैं जिसे। बट सून इट ऑल फेल थ्रो, बट सारा पानी उसमें से निकल जाता है। एंड नाउ पुअर सिंपल साइमन बिड्स यू ऑल एड्यू, एड्यू होता है गुड बाय, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एड्यू, तो लिखेंगे ADIEU, एड्यू बोलते हैं हम गुड बाय को, ठीक है। तो वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग पोएम में ये वर्ड्स की हेल्प से पोएम को क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि ये पोएम है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और चैप्टर नंबर 6 व्हाट द बर्ड सेड ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।